वेल आई थिंक जब भी हम रैंप वॉक करते हैं आई थिंक वी आर जनरली आर्टिस्ट तो वी ऑलवेज फील स्केयर्ड वी आर नॉट मॉडल सो हमेशा वो थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक टेक है दूसरा चांस नहीं मिलता तो बट इट्स ऑलवेज फन एंड वेरी एग्जिलरेटिंग क्योंकि यू नो वो मोमेंट में रहना तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड टुडे टू वॉक फॉर अंशु और उनका जो कलेक्शन है इज़ अबाउट द मॉडर्न ब्राइड यू नो फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स वेरी बोल्ड इंडियन क्लोथ्स फन स्पंकी स्टफ आई थिंक वेरी 2019 सो आई थिंक द कलेक्शन वॉज रियली फन एंड इट वॉज अ प्लेजर टू वॉक फॉर सो माई कलेक्शन आई डोंट केयर is made for the beach and destination weddings. It's basically a very modern bridal wear which has no set of any rules. It's meant mainly for the modern bride who's very fun, who's happy, who's very excited for a wedding. She's picking the man instead of waiting for him and she wanna curate her own set of outfits. So we've kept it very light, very minimalistic and we've given a lot of tubes. Corsets yeah. And it's like super fun with a lot of parachute pants, high slit skirts and instead of ounces of fabric we've kept it like very fun and happy and yes that's all about it. Well I think it's very it's an intricate outfit लेकिन बहुत ही लाइट वेट है एंड आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा यू नो भारी कपड़े नहीं लेना है यू वॉन्ट टू टेक समथिंग लाइट वेट बी कम्फर्टेबल एंड यू नो वेयर फन थिंग्स सो आई थिंक इट फील्स लवली एंड आई फील फ्री एंड फन समर सीजन यू नो स्टार्ट हो चुका है तो किस तरह के अटायर में आपको स्पॉट करने वाले हैं वेल आई थिंक लॉट्स ऑफ कॉटन्स मलमल very real fabrics is always fun to wear and I love wearing white and black so this time it's going to be lots of white मैंने अभी आर्टिस्ट्री के लिए मैं स्टेज पर थी ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है जो सस्टेनेबल गारमेंट्स बनाते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को लेकर मैं बहुत पैशनेट हूँ और जो ब्रांड की फिलॉसफी है वो मेरे साथ बहुत डीपली रेजोनेट करती है एंड आज के जो पूरे गारमेंट्स थे मेरे भी नेचुरल टेक्सटाइल्स से बनी हैं पिछवाई जो हमारा एक बहुत वेल नोन फॉर्म है आर्ट फॉर्म का वो उसके मोटिव्स गारमेंट्स पे है और सबसे ख़ास बात उन मोटिव्स की ये है कि पेड़ नज़र आते हैं हर मोटिव में ये दिखाने के लिए कि हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे लेकिन पेड़ों के बिना तो नहीं बढ़ सकते और you know, रैंपो तो आपके लिए बहुत ही कॉमन होता है हम हर बार आपको रैंपो आज बताइए नहीं लेकिन आई थिंक आप चाहे हज़ारों बार भी रैंप पे चले जाए फिर भी एक एक नर्वस एनर्जी पैदा होती है जो अच्छा होता है आई थिंक बिकॉज इट्स अ मोमेंट व्हेन यू आर इन द स्पॉटलाइट ऑल आईज आर ऑन यू एंड यू फील अ सेंस ऑफ दिस थिंग बट आज मैं बहुत एफर्टलेस और कंफर्टेबल मैं महसूस कर रही थी क्योंकि गारमेंट बहुत ही एफर्टलेस और कंफर्टेबल है थोड़ा सा इयररिंग के बारे में अगर आप हाँ सो थैंक यू
सबसे खास बात इन ईयरिंग्स की ये है कि जैसे कि हम सबको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करें, मतलब कि जो वेस्ट होता है उसे भी वो ऐसा होना चाहिए जो धरती में मिल जाए, और अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको उठा के आप उससे कुछ अच्छा बना दें. तो दीज ईयरिंग्स आर हैंडमेड, मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर फैब्रिक एंड विद मेटल, देर इज नो एलिमेंट ऑफ प्लास्टिक इन इट, आई लव इट. इसके अलावा कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर शेयर कर सकें, कुछ जी कैफे का कुछ आप बताइए क्या कुछ है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे प्रेपरेशंस चल रहे हैं एक बहुत ख़ास शो के लिए जो मैं बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ शुरू करूँगी. बहुत पावरफुल थीम है शो का, रियल स्टोरी पर आधारित है, और मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे खूबसूरत रोल है. थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू. Should I move around a little or should we just keep starting? Yeah. Tell me when to go. Thank you. Got it? सौंदर्य जी, हमने देखा है रैंप वॉक पर आप बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी, तो टेल अस लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंस. माय एक्सपीरियंस बॉम्बे में, आई फॉर बॉम्बे राइम्स फैशन वीक आई वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज द आउटफिट एक्चुअली मेड मी फील लाइक दैट आई वाज फ्लाइंग. आई वाज फ्लाइंग विद माय आउटफिट. आई ऑलमोस्ट ट्रिप ट्वाइस बट इट वाज रियली अमेजिंग. टेल अस लिटिल अबाउट सौंदर्यस ब्यूटीफुल अटायर. So our collection was inspired by the theme Midnight Paradise, and we were focusing on how a midnight, how a paradise would look at the midnight. So Sondarya, she looks stunning in a showstopper dress. It is a jumpsuit, sheer jumpsuit, and featuring a lot of details and work, and I think she did amazing. She was just fabulous. She did amazing. Thank you so much. The outfit made me look so amazing. Yeah. And ye different hairstyle hai thoda mera. Lag raha aapko different? Yes. That was the idea. So yeah, we tried to give it a very chic international look because the outfit, I was almost looking like a combination of, oh, you can say Wonder Woman, Bad Woman, every woman you call it. A female version of Supergirl. So yeah, it made me, I'm very excited and exhilarated to wear this and walk the ramp. Thank you, Ji. Thank you so much. Few seconds. Single.